हेलो गाइज, तो इस वीडियो में देखेंगे ये पार्ट कटिया में कैसे क्रिएट करना है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पार्ट का बेस प्लेट का स्केच ड्रॉ करूँगा। तो मैं ये प्लेन सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे उसका स्केच ड्रॉ करता हूँ। तो आप इसके डायमेंशन इस स्केच में देख सकते हो। तो ये अपना स्केच कंसिस्ट हो गया। अब मैं इसे पैड करूँगा। तो हमें इसका पैड वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 90 mm। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 90 का हाफ यानी 45 mm और उसे मिरर करता हूँ। तो ये बेस प्लेट क्रिएट होने के बाद मैं उसके ऊपर के ये इंक्लाइन रिब क्रिएट करूँगा जो आप देख सकते हो। तो मैं ये फेस सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे उसका स्केच ड्रॉ करता हूँ। और इस स्केच को मैं कंसिस्ट करता हूँ। तो इसके बाद इस स्केच को मैं सिलेक्ट करता हूँ और उसे मिरर करता हूँ दूसरे साइड में। और अब इसे मैं पैड करता हूँ। तो ये हो जाएगा रिवर्स डायरेक्शन में। हमें इसका पैड वैल्यू दिया गया है 6 mm। तो यहाँ पे फर्स्ट लिमिट में आ जाएगा 37 + 6 यानी 43। और सेकंड लिमिट में आ जाएगा, हमें फाइनल वैल्यू 6 mm चाहिए इसलिए फर्स्ट लिमिट 43 है और सेकेंड लिमिट में हम -37 डालेंगे तो हमें फाइनल वैल्यू भी मिल जाएगा 6 mm का। तो ये हमारा क्रिएट हो गया 6 mm का रिब। तो ये होने के बाद अब मैं बेस प्लेट पे हमें जो होल क्रिएट करने हैं वो क्रिएट करूँगा। तो मैं ये फेस सिलेक्ट करके यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करता हूँ जिसका डायमीटर हमें दिया गया है 12 mm। और इस सर्कल को सिलेक्ट करके मिरर करूँगा। तो हमें दो सर्कल के बीच का इनसाइड डिस्टेंस दिया है 94 mm। और साइड से डिस्टेंस है 20 mm। तो अब मैं इसे पॉकेट करूँगा। तो हमारा बॉटम का पोर्शन क्रिएट होने के बाद मैं ऊपर वाला पोर्शन क्रिएट करूँगा। तो मैं साइड प्लेन सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे उसका स्केच ड्रॉ करता हूँ। तो मैं इसके डायमेंशन दे रहा हूँ और इसे कंसिस्ट भी करता हूँ। तो हमें सर्कल के सेंटर से लेके नीचे तक डिस्टेंस दिया है 45 mm। तो यहाँ से सेंटर तक डिस्टेंस हो जाएगा 45 mm। तो ये हमारा स्केच कंप्लीट हो गया। अब मैं इसे पैड करूँगा। तो हमें इसका पैड वैल्यू दिया गया है 75 mm। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 75 का हाफ
और उसे मिरर करता हूँ। तो इतना पोर्शन क्रिएट होने के बाद सबसे लास्ट में हमारा इंक्लाइन रिप क्रिएट करना बाकी है। तो मैं यहाँ पे इस रिप के लिए इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और उसे कंस्ट्रेंट कर रहा हूँ। और ये हमारा लाइन कंस्ट्रेंट हो गया। तो इसे रिप में कन्वर्ट करने के लिए मैं यूज करूँगा स्टिफनर कमांड का। तो कमांड को सिलेक्ट करता हूँ और हमें रिप का यहाँ पे थिकनेस दिया गया है 6 mm और हमारा ये रिप क्रिएट हो गया। इसके साथ ही हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।